नमस्कार, मैं हूं भावना चंद भारत न्यूज टीवी से, और आज आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हिंदुस्तान एवं मध्य प्रदेश जैसे प्रांतों में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बच्चों के अपहरण के वीडियो को लेकर जिस तरह से ग्वालियर जिले में सनसनी फैली हुई है, उस प्रकार से देखा जाए तो इन वीडियो को लेकर सभी लोगों में इतनी दहशत है कि कुछ कह ही नहीं सकते। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, क्या है वो, अभी हम ग्वालियर ज़िले के चिनोर तहसील में हैं और यहाँ पर हम जांच पड़ताल के लिए आए हुए हैं। क्या ये सारी वीडियो सत्य हैं या कोई अफवाह है? आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, के शर्मा के साथ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आपकी मम्मी क्या कह रही थी? कह रही थी कि बच्चे पकड़ रहे हैं, संभल के रहना अच्छे हैं। पकड़ रहे हैं? तो तुम्हें डर लग रहा होगा बेटा, तुमसे कोई ने बोला नहीं? बोला तो डरने की बात कोई नहीं है, सब अफवाहें उड़ा रहे हैं, कोई नहीं पकड़ रहा है। कोई पकड़ा है स्कूल से तुम्हारे? सर कह रहे थे कि बाहर मत निकलना, गेट बंद कर देंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। हाँ तो कोई बाहर नहीं जाता? हाँ तो स्कूल टाइम में नहीं जाओ, उसमें क्या, वो तो जाना भी नहीं चाहिए, सही है ना? वो तो इस चीज़ को अब करेंगे, थोड़ा क्या है कामकाज में आदमी लगा तो नहीं जा पा रहा वहाँ, लेकिन इस थाना प्रभारी को भी इसकी सूचना देना ज़रूरी है और देंगे। नाम इस्तियास खान। यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि बच्चों को पकड़ने वाला गैंग सक्रिय है क्षेत्र में। नहीं सर, ये तो बहुत सुनने में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, और आदमी दहशत भी है इसमें, और अपने बच्चों को बहुत संभाल के रख रहे हैं, स्कूल भी नहीं भेज पा रहे वो। और मेरी जहाँ तक मेरी बात है, पुलिस प्रशासन को गली में, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप पवैया है। पुलिस प्रशासन अगर चेकिंग करने अगर गली गली में घूमे तो भी उससे बहुत अंतर आता है, लेकिन जो पुलिस वाले आते नहीं, क्या करें? यहाँ पर नहीं आते, मतलब यहाँ चिनोर में चेकिंग नहीं करते, नहीं करते, रात में नहीं आते, रात में राम गश्त वगैरह पर नहीं जाते हैं पुलिस वाले, इसीलिए इनको आना चाहिए। अपने बच्चे को, दोनों बच्चों को, दो लड़के मेरे पास, उनको अंदर के कमरे रूम में उनको रखते हैं और ताला लगाए थे बाहर के रूम में। हम कितनी सच्चाई है इस बात की चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पर इतने सारे व्यक्ति उपस्थित हैं उन सब के साथ, आप क्या कहेंगे? कुछ क्या बोलें उसके बारे में, सत्य तो कुछ सामने आया नहीं है। इतना ज़रूर कहेंगे, SMS आते हैं, व्हाट्सएप पे भी SMS आया मेरे पास जी, उसमें बोला लिखा गया है कि 500 से 2000 रोहिंग्या मुसलमान MP में आ चुके हैं सामने, और वो 16-17 वर्ष की उम्र के बच्चों को स्कूल से किडनैप कर रहे हैं, लेकिन सामने कुछ नहीं आया ऐसा आज तक। अफवाह है, मतलब अफवाह ही है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे कह देते हैं कि उधर डबरा से पकड़े गए हैं, और डबरा से जाके देखो तो चिनोर से पकड़े हैं। मैं चिनोर खड़ा हूँ, चिनोर से कोई नहीं पकड़ा गया है, सब अफवाह है। आपका नाम क्या है भाई? लोग बच्चों को ले जा रहे हैं, उनका किडनी वगैरह जो सप्लाई कर रहे हैं, निकाल के डाल देते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? थाना चिनोर क्षेत्र में ऐसी कोई सूचना नहीं है अभी तक बच्चे उठाने वाली, ना ही कोई अभी इस प्रकार की कोई घटना के संबंध में कोई सूचना थाने पर आई है, ना कोई इधर की गैंग सक्रिय है। अगर आपके पास वीडियो के माध्यम से कोई वायरल होकर कोई मैसेज आया है तो उसके बारे में यहाँ पर कोई सूचना नहीं है। अफवाह है अभी तो, ऐसी कोई सूचना नहीं है किसी ग्रामीण के द्वारा या कहीं से भी संभ्रांत नागरिक द्वारा किसी प्रकार की सूचना थाने पर प्राप्त नहीं हुई, ना ही कोई अभी शिकायती कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। नहीं, कोई छात्र को नहीं गया, थाना चिनोर क्षेत्र के किसी भी विद्यालय से कोई छात्र नहीं गया है, ना ही ऐसी कोई सूचना छात्रों के परिवारजनों ने हमें थाने पर दी है अभी तक। तो ये थी हमारी आज की देश दुनिया की बड़ी तमाम खबरें। हमसे जुड़े रहिए और बने रहिए भारत न्यूज़ टीवी पर।